सतगुरु के सजदे करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं, और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, कि तो ताश खेलो, कि तो राजनीति की बतलाओ, कि तो सिनेमा आँख फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें, फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि तल लागो। होठ तो नाजुक होती हैं, कोई बालक ने धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो, तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए, नुपड़ा उपड़ा नुकर रहा हूँ अरे ये पहले आंटी पाक रहा था, मनुष्य बना हुआ जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया, और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ मैं आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके, जो रसोईये में घुसने की कोशिश कर रहा बाहर खड़ा रहा, तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात कुर्राया बैठ के भौंक्या भी मतलब, तो ये दुर्गति होगी। और वहाँ लगे लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्लाओगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है वहाँ उसके भाग को जूत मिले कि टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है बाहर जाता जंगल में, उसको पता है कि वो और मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से और इस भक्ति से और इस पंडित छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का, सात समंदर की स्याही बना दूँ इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूँ, सारे वृक्षों की कलम बढ़ा कर रख लूँ, और फिर लिखने लग जाऊँ ये भी घिस जा सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर आगे काड़ के फंदे। कहते हैं ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना, अपने आत्मा एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है,
लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है, सपोज मूलधन इज 100 रुपीज, जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे, तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा, मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है, और इसको एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है।